हेलो कैसे हैं आप सब लोग नमस्कार 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 ऑडियो वीडियो क्लियर है जरा बता दीजिए ज एक शार्क की ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है चलिए बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन है स्क्रैम के मॉडल पे तो देखिए स्क्रैम का मॉडल जो है वो हमारी तीसरी टाइप होती है कम्युनिकेशन मॉडल्स में और कम्युनिकेशन मॉडल्स की ये जो टाइप है स्पेसिफिकली ये इंटरैक्शनल मॉडल्स की कैटेगरी में आती है अब देखिए यहाँ पर ना एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको कंटेक्स दे दूँ अदरवाइज आप सोचेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कुछ क्लियर ना हो तो गुड इवनिंग नमस्कार उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे सेहतमंद होंगे तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा यहाँ कन्टेक्स दे देता हूँ और कन्टेक्स देने के लिए मुझे आप लोगों को थोड़ा पीछे ले आना पड़ेगा प्लस वालों को तो ये कन्टेक्स पता होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर तीन तरह के मॉडल्स होते हैं इन तीन तरह के मॉडल्स में हम लोग जो हैं सबसे पहले जो मॉडल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लीनियर मॉडल्स लीनियर मॉडल्स जैसे कि जो वन वे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं एक तरफा कम्युनिकेशन के लिए सिंगल साइडेड के लिए इस्तेमाल होते हैं और वन वे कम्युनिकेशन आपको पता है कि मास कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है सेंडर मैसेज भेजता है और रिसीवर रिसीव करता है यहाँ कोई कंसेप्ट फीडबैक का नहीं होता तो जो लास्टवेल का मॉडल है एरिस्टॉटल का मॉडल है शनॉन वीवर का मॉडल है बर्लो का एस मॉडल है ये सभी के सभी मॉडल्स आपके लीनियर मॉडल्स में आते हैं अगर आपको ये प्रिपेयर करने हैं तो आप एक छोटा सा काम ज़रूर करिए कि आप सिंपल है मेरी जो है वो अनकेडमी की प्रोफ़ाइल पे जाइए और इस अनकेडमी की प्रोफाइल पे जाते के साथ ही आपको यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये फ्री कोर्सेज दिखेंगे इस फ्री कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कम्युनिकेशन का एक कोर्स दिखेगा तो अगर आप वो मॉडल करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके यहाँ सी ऑल करिए नवीन साहैडमी की प्रोफाइल पे जाके लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में और इस कम्युनिकेशन के कोर्स पे जाइए इस कम्युनिकेशन के कोर्स के अंदर आपको सारे के सारे लेसन्स मिल जाएंगे अब इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल सिक्सटी सेवन लेसन हैं दो घंटे बावन मिनट का कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ और इस कोर्स में आपको सवा सौ से ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और पूरा कम्युनिकेशन जो है वो टोटली totally फ्री जो है वो मिल पाएगा <clears throat> जैसे कि आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेचर ऑफ़ कम्युनिकेशन और अगर आपको मॉडल्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ आना यहाँ से आपको मॉडल्स आप पढ़ पाएंगे कम्युनिकेशन के ये आई थिंक यहाँ से एक ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना क्रोनमिक्स प्रोक्समिक्स काइनेसिस हैप्टिक्स और वोकलिक्स उसके अलावा ये अरिस्टोटल का मॉडल है तीन या चार भागों में फिर शेनॉन वीवर का मॉडल है उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं और उसके अलावा फिर लास्टवेल का मॉडल है वो पढ़ना अच्छे से चार या पांच लेसन में ये भी खत्म हो जाएगा मेरे डिमेरिट एक्सप्लेनेशन सब कुछ है इसके अंदर और उसके अलावा जो है कम्युनिकेशन का ये जो आपका बर्लो का मॉडल है ये आई थिंक मैंने लास्ट में डाला था कहीं बीच में ये सारे एम सी क्यूज हैं एग्जाम ओनेटेड क्वेश्चन है सिंक्रोनस और सिंक्रॉनस टेन कमांडेंट्स ये रब बर्लो का मॉडल दो भागों में है तो आपको अगर ये टाइप्स पढ़नी है तो आप जो है अकेडमी की प्रोफाइल पे पढ़ लेना ठीक है ये वन वे कम्युनिकेशन के लीनियर के मॉडल्स होते हैं उसके अलावा जो मॉडल्स हमारे सेकेंड टाइप में आते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल्स ट्रांजैक्शनल मॉडल्स की जहाँ पर आप देखेंगे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन चलती है और सेंडर जो है एक बात अगर रिसीवर को बोलेगा रिसीवर फिर जो है अल्टीमेटली सेंडर बन जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर रोल इंटरचेंज जो है वो होता रहता है अब जब रोल इंटरचेंज होता है इन दोनों के बीच में तो इसे हम ट्रांजेक्शनल मॉडल कहते हैं जो इंटरपर्सनल माने कि परस्पर संचार और उसकी कम्युनिकेशन में यूज आता है तो जो परस्पर संचार में इस्तेमाल आने वाला मॉडल है इसके प्रोज़ एंड कॉन्स ये हैं कि यहाँ इंस्टेंट फीडबैक होती है उसके अलावा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उसके अलावा ये इसके कॉन्स हैं ये आज का मुद्दा नहीं है इसमें बार्लिन का ट्रांजैक्शनल मॉडल हेलिकल मॉडल और बेकर मोज़ैक मॉडल जो है वो आता है तो ये अगर किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको फ्री क्लासेज में भी करवा दूंगा अभी मैंने सिर्फ इसे प्लस में ही करवाया है अकेडमी पर तो ये बार्लिन का मॉडल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये हेलिकल का मॉडल है और इसके बाद ये बेकर मोजेक का मॉडल है इसके बाद जो तीसरे किस्म का मॉडल होता है इंटरेक्शनल मॉडल उसको हमें पढ़ना है आज तो इंटरेक्शनल मॉडल में क्या होता है जब हम इंटरेक्शन देखते हैं ना तो इंटरेक्शन कब पूरी होती है जब फीडबैक आ जाती है तो जो स्क्रैम का मॉडल है यहाँ पर एक ही मॉडल है जो इंटरक्शनल मॉडल में गिना जाता है तो इसमें क्या खासियत होती है कि यहाँ जो नई कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट की कम्युनिकेशन है जहाँ पर आपको फ़ीडबैक मिला ना मिला हो सकता है कि भाई आपको फीडबैक मिले हो सकता है ना भी मिले कभी कभी स्लोअर फीडबैक मिलती है कभी कभी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का यहाँ कंसेप्ट आता है तो आपने पेपर में ना एक सवाल आते हुए देखा होगा और वो सवाल यहाँ से आता है कंसेप्ट ऑफ नॉइस कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस कभी इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन आएगा कभी नॉइस पे क्वेश्चन आएगा और कभी क्वेश्चन आएगा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे ये वाला ऑप्शन आपने खुद बहुत चुना होगा कुछ एमसीक्यूज में तो ये यहाँ से सवाल आता है अब स्क्रैम के मॉडल के ना कई प्रकार हैं जो इसका सबसे ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि इसका एक एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक्स से संबंधित है वो है एक्सेलरेशन कोफिशेंट के लिए जो थोड़ा सा आपको अगर आप फील्ड से नहीं हो इको कि हमारी कॉमर्स की तो समझ में आए ना आए कुछ कह नहीं सकते तो मैं ये तरीका नहीं अपना रहा हूँ हम यहाँ स्क्रैम के मॉडल को करेंगे इससे कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होती है सोर्स कैसे एक मैसेज भेजता है डिकोडर कैसे डिकोड करता है और वो डेस्टिनेशन तक कैसे जाता है और ये इंटर चेंज कैसे होते हैं तो हम स्क्रैम के मॉडल को जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो तरीका आज थोड़ा सा अलग रहेगा इनका नाम था विल्बर स्क्रैम जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था और ये मॉडल कौन सी कैटेगरी में आता है ये मॉडल आता है इंटरेक्शनल की कैटेगरी में जो इंटरेक्शन हम आम ज़िंदगी में भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करते हैं इंटरेक्शन आपको पता है जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि पार्क चलेगा तो आपने जवाब भी नहीं दिया आपका मन नहीं था पार्क जाने का लेकिन आपका जवाब देना नेसेसरी है ना वरना बंदा क्या सोचेगा कि या तो ये इंटरेस्टेड नहीं है या बेवकूफ़ है सुनता नहीं है या कई तरह की वो इंटरप्रिटेशन लगाने लग जाएगा तो फीडबैक इज नेसेसरी लेकिन कभी कभी इसमें स्क्रैम के इंट्रैक्शन मॉडल्स में ना फीडबैक लंबा समय ले लेता है सेंडर और रिसीवर जो है वो जानते नहीं है एक दूसरे व्यक्ति को कभी कभी ये भी हो सकता है तो फिर फीडबैक नहीं आता फीडबैक जो है अगर इसका फायदा है कि भाई मास कम्युनिकेशन में भी फीडबैक आ जाता है इंटरेक्शंस के दौरान कभी-कभी और नए कम्युनिकेशन के चैनल भी एस्टैब्लिश होते रहते हैं कम्युनिकेशन लीनियर बन जाती है अगर रिसीवर रिस्पोंड नहीं करेगा तो अदरवाइज सही रहेगा तो जो इंटरेक्टिव मॉडल्स होते हैं इन्हें कन्वर्जेंस मॉडल्स भी कहा जाता है आपके जो है आपके इंटरेक्शनल मॉडल्स को अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है आपको जो मॉडल्स या कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी तो विल्बर स्क्रैम एक व्यक्ति थे उन्नीस में उन्होंने ये मॉडल दिया था उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन का कोई इस्तेमाल नहीं है अनटिल और अनलिस अनलिस और अनटिल उसको आप जो है शब्दों में कन्वे ना करें और वो शब्द ऑब्वियसली केयरफुली चुने जाने चाहिए अब यार हमको कहने को जानकारी बहुत है हमको चीज़ें बहुत पता है लेकिन फिर अगर हम उसको कन्वे ही नहीं कर सकते अगर हमारे पास वो ताकत नहीं है तो फिर वो जानकारी किस काम की इनकोडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है उनका ये कहना था क्योंकि ये इंडिकेट करती है और ये आपको ये बताती है और एक प्रोसेस को शुरू करवाती है जिसे कहते हैं कि इनिशिएट करना कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करके थॉट को कंटेंट में तो जब आप एक थॉट को कंटेंट में बदलते हैं जैसे मान लो कि हमारे मन में बहुत बार ऐसा लगता है कि एक आइडिया आया है <coughs> जैसे आप किसी अपने दोस्त यार पे बैठोगे और कहोगे कि यार मेरा ना एक YouTube चैनल है तो मुझे जो है वो वीडियोस बनाने हैं तो क्या बना यार दिक्कत क्या है डर क्यों रहा है क्योंकि आप कहोगे यार डर नहीं रहा यार एक्चुअली मैं ना कंटेंट के लिए सोचोगे तेरा भाई बैठा ना कंटेंट के लिए तेरे भाई से पूछ तेरा भाई बताएगा कंटेंट तो ये जो तेरा भाई वाला कंसेप्ट है यहाँ पर वो भाई बता देगा आइडिया इस दुनिया में जो है वो सबसे सस्ती चीज़ हो चुकी है आइडिया देने के लिए हर कोई तैयार तो बैठा है लेकिन 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 ये ख्याली आइडिया देना कि यार तू एक काम कर यार मिलिट्री में बना एक काम कर तू पॉलिटिक्स में बना एक काम कर तू मूवीज़ पे बना लेकिन जब बंदा जो बनाने बैठता है ना वीडियो उसको पता लगता है कि कंटेंट डिसाइड करने में जो है कितना दम लगता है एक इंसान ये तेरा भाई बताएगा ये 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 कॉन्सेप्ट नहीं चलता है क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को बदलते हो किसी इन्फॉर्मेशन को आप कंटेंट में बदलते हो तो असली स्किल तो वहाँ चाहिए होगा जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को कंटेंट में बदलते हैं तो असली स्किल तो वहाँ चाहिए होता है और यही आर्ट बेसिकली एनकोडिंग कहलाती है और जब हम कन्वर्ट करते हैं इसे कंटेंट में तो जब इन्फॉर्मेशन जो है वो एक रिसिप्टेंट के पास पहुँचती है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको समझे कि स्पीकर जो है वो हमको क्या कहना चाह रहा है अनलेस और अनटिल जो सेकेंड पार्टी है वो एबल टू अंडरस्टैंड या डिकोड हो जाए कि उसने डिकोड कर लिया या उसने जो है चीजों को समझ लिया तो इंफॉर्मेशन जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता था मैसेज जो है इज एक्चुअली ऑफ नो यूज मैसेज का क्या काम फिर मैसेज का फायदा क्या हुआ अगर उसको समझ में नहीं आई तो जब तक वो डिकोड नहीं कर लेगा तब तक मैसेज का कोई यूज नहीं है तो विल्बर स्क्रैम ने जब ये मॉडल दिया कम्युनिकेशन का 1954 में तो उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन का कोई इस्तेमाल नहीं है अगर आप उसे इफेक्टिवली इनकोड करके कंटेंट में नहीं बदल सकते सेकेंड चीज़ उन्होंने कही कि इन्फॉर्मेशन एक रिसिप्टेंट पे पहुंचती है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है अगर बंदा डिकोड करने के लायक ना हो तो अगर आपको ये देखने को मिला कि किसी कन्वर्सेशन के अंदर जो है अगर हम जी 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 बहुत सही तो जब आप ये देखते हो कि हम इनकोडिंग और डिकोडिंग को दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मान लेते हैं किसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना उसके कोई जानकारी जो है कभी फ़्लो कर ही नहीं सकती दो इंडिविजुअल्स के बीच में ना बंदा इनकोड करने के एबल नहीं है तो फिर अपनी इन्फॉर्मेशन आइडिया को इम्प्लीमेंट करके आप तक नहीं पहुँचा पा रहा बंदा डिकोड करने के एबल नहीं है तो कही गई बात को समझ भी नहीं पा रहा है तो स्क्रैम का मॉडल जो है वो रिवॉल्व अराउंड करता है दी अबउ प्रिंसिपल जिसके अंदर आपको इनकोडिंग और डिकोडिंग का स्किल परफेक्ट होना चाहिए स्कैम के मॉडल के मुताबिक कोडिंग और डिकोडिंग एनकोडिंग और डिकोडिंग दो असेंशियल प्रोसेस है किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एनकोड करना आपकी इस कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि एक आइडिया इन्फॉर्मेशन को आप कंटेंट में बदल सकते हो डिकोड करना आपकी इस काबिलियत को दर्शाता है कि कही गई बात को किसी स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के उसको आप समझ सकते हो और उन्होंने इस बात पर एम्फोसाइज भी किया कि कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होती है अनलेस एनटेल द सेंडर रिसीव्स अ फीडबैक फ्रॉम अ रिसिप्टेंट कि जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलती तो उसका क्या फ़ायदा इमेजिन करिए एक व्यक्ति आपसे अपनी थाट जो है शेयर कर रहा है किसी दोस्त के साथ और आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप मोबाइल में लगे पड़े हैं वो आपको अपने किस्से बता रहे हैं आप गया है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो ये ऐसा नहीं चलेगा ना काम ऑब्वियसली इस ने बिलीव किया था कि कम्युनिकेशन एक्चुअली में टू वे प्रोसेस होती है बिटवीन द फर्स्ट पार्टी एंड द सेकेंड पार्टी और इन दोनों के बीच में इस कन्वर्सेशन के पार्ट को हम जो है इस एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं <coughs> देखिए जेनिफर जो है वो सैम को कहती है कि क्या मूवी चलोगे मेरे साथ सैम जो है वो चुप रहता है रिस्पोंड नहीं करता हैंस जो कम्युनिकेशन है सैम और जेनिफर के बीच में वो कंप्लीट नहीं होती अगर सैम इंटरेस्टेड नहीं था मूवी के लिए तो उसको रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए था गिवन द फीडबैक टू तो जेनिफर अबाउट इज अनविलिंगनेस जेनिफर अपने फ्रेंड के साथ चली जाती कहीं और जो है कोई और दोस्त के साथ चली जाती इसके चक्कर में जो किसी और दोस्त का नुकसान हुआ क्योंकि अब यहाँ तो लड़ाई झगड़ा लगेगा आपको बताइए अब यहाँ कोई मूवी वूवी थोड़ी जाएगा ऑब्वियस सी बात है यहाँ लड़ाई झगड़ा लगने वाला है कि भाई तुमने मना किया तो कैसे किया या तुमने मना नहीं किया तो कैसे किया तुम बोले क्यों नहीं कि मम क्यों रहे हो कि बागा मम कीप मम नटू बागा कहते हैं बाबा बागा मम तो देखिए ये चुप रहना बहुत बहुत आपको भारी पड़ सकता है इस बात को समझिए अकॉर्डिंग टू स्क्रैम्स मॉडल जब इन्फॉर्मेशन रीच करती है रिसेप्टेंट पे तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फीडबैक दे वो ये बताए कि वो क्या समझ पा रहा है उसने कैसे डाउनलोड किया है इस मैसेज को एग्जैक्टली द सेम मैनर क्या स्पीकर ने जैसे चाहा था वैसे किया इज़ नॉट क्लियर विद एनी थिंग और हैज़ एनी डाउट्स तो उसको पूछ लेना चाहिए उसको क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि जब स्पीकर कन्वे करता है किसी मैसेज को लिसनर को लिसनर डिकोड करता है किसी मैसेज को वंस अगेन उसको पास करना चाहिए मैसेज टू द स्पीकर समझने के बाद तभी पूरा सर्कल कम्युनिकेशन का आपका कंप्लीट होता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भी हाँ मार पिटाई कुटाई सब हो सकता है तो इसमें क्या है कि एक मॉडल काम करता है उस मॉडल को हम इस तरीके से बना के कह देते हैं कि एक सेंडर है सेंडर का ये मैसेज है सेंडर की तरफ से मैसेज जाता है रिसीवर को बट अल्टीमेटली ये रिसीवर से मैसेज सेंडर को भी जाना ज़रूरी है अगर प्रोसेस ये है तो प्रोसेस कंप्लीट है और आप इसे एक कंप्लीट प्रोसेस के रूप में देख सकते हैं दैट मींस कि इसके अंदर और इसके अंदर दो स्किल हैं सेंडर में एनकोडिंग का स्किल है कि वो अपनी बात या किसी जानकारी को एक कंटेंट की फॉर्म में लाके प्रेजेंट कर सकता है डिकोडर में ये स्किल है कि वो स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के उसकी बात को अंडरस्टैंड करने की क्षमता रखता है और अगर ये क्षमता नहीं है तो वो क्लैरिफाई भी करता है पर हाँ जवाब ज़रूर देता है अब बात आती है कि ठीक है सर एम स्टैंड करता है मैसेज के लिए कि स्क्रैम ने बिलीव किया था कि इंडिविजुअल की नॉलेज अब आएगा पॉइंट एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस कल्चरल बैकग्राउंड ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दम्युनिकेशन की ये चीज़ें भी कम्युनिकेशन में एक रोल निभाती है इंडिविजुअल्स जो डाइवर्स कल्चर से आते हैं अलग अलग कल भी नौ बजे यहीं क्लास होगी और कल क्लास होगी टीचिंग एप्टीट्यूड के किसी टॉपिक की प्लस में भी वही चल रहा है यहाँ भी यही चलेगा कॉम्बिनेशन में चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा या क्वेश्चन भी करवा सकते हैं टीचिंग के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए सिंपल सिंपल बात है कि स्क्रैम ने बिलीव किया कि एक इंडिविजुअल की नॉलेज एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंडिविजुअल जो अलग अलग कल्चर से आते हैं अलग अलग रिलीजन से आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं किसी एक मैसेज को डिफरेंट तरीके से जो है समझते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बिली का सर्वेंट को कहना कि प्लीज़ ब्रिंग समथिंग हॉट फॉर मी टू ड्रिंक एज I'm सफरिंग फ्रॉम अ सोर थ्रॉट तो अगर मेरा गला ख़राब है और मेरे लिए कुछ गर्म लेके आओ अगर बिली ने अपने सर्वेंट को ये कहा है तो सिंपल सी बात है कि सर्वेंट जो है यहाँ पर सर्वेंट उसके लिए जो है वो पानी ले आता है गर्म जबकि बिली को चाहिए था कि उसे हॉट चॉकलेट की कॉफ़ी मिल जाती तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन यहाँ सर्वेंट के द्वारा हो गई वो कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं था बिली के साथ और फेल टू अंडरस्टैंड हो गया आपने मास्टर की इन्फॉर्मेशन को अब ना ही तो ये बिली और ना ही सर्वेंट का फॉल्ट है लेकिन एक्चुअली डिफरेंस तो आ गया दोनों के बैकग्राउंड में और अब किसको ब्लेम करना है तो आप ये कहेंगे कि भाई यस बैकग्राउंड डिफरेंस आया अब एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जॉन ने जो है वो टेडी को कहा कि आई गेट लेट फ़ॉर माई ऑफिस प्लीज़ बाई मी अ क्लॉक कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ यार मुझे जो है वो एक घड़ी खरीद के दो टेड़ी गया एक एक लोकल मार्केट के अंदर और गिफ्ट की एक क्लॉक जो है वो जॉन को जॉन कभी लेट नहीं हुआ ऑफिस के लिए उसके बाद ही कुड हैल्सो मिस इंटरप्रिटेड द मैसेज हो सकता था कि भाई जो है टेडी भी गलत समझ जाता और अगर टेडी गलत समझ जाता अपने फ्रेंड की डिज़ायर नहीं समझता तो एक क्लॉक इज़ ऑलवेज अ क्लॉक वेदर टेडी हैज टू तो ब्रिंग इट और एनी अदर इंडिविजुअल हैज़ हैजू ब्रिंग इट अ क्लॉक कैन नेवर बी कन्फ्यूज विद इस रिस्ट वॉश तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली बात है यह तो देर आर सम मैसेजेस आर लेस फॉर एवरी वन ये सेम होते हैं आप टेडी की जगह और कोई होता तो भी क्लॉक की जगह तो क्लॉक ही लाता ना भाई और कुछ थोड़ी लाता ऑब्वियस सी बात है सो आर देसो कॉल्ड एज विद अ डेनोटेटिव मीनिंग विच आर ऑलमोस्ट द सेम एज ऑल इंडिविजुअल्स इन सच केसेज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग गेट्स लीफाइड और ये बात आई यहाँ पर एक समझने वाली कि जब भी हम अपनी कन्वर्सेशन में जो मैसेजेस हैं उसको डेनोटेटिव सेंस में यूज करते हैं तो डेनोटेटिव सेंस में इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ एक डिक्शन मीनिंग जुड़ जाता है डिक्शन का मीनिंग या डिक्शनरी का मीनिंग हमेशा सेम होता है जैसे हम एक लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं तो लेक्सिकल की भाषा भी बोल देते हैं तो जो डेनोटेटिव सेंस होती है उसमें क्लॉक को क्लॉक ही गाएंगे अब क्लॉक की जगह ऑब्वियसली आपको कोई रिस्ट वॉच तो ला के नहीं देगा तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जहाँ भी डेनोटेटिव कन्वर्सेशन इस्तेमाल होती हैं या डेनोटेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन जो कि गलत जानकारी है या मिस इंटरप्रटेशन जो है वो क्या हो जाती है नलीफाई हो जाती है कम से कम हो जाती है और अगर इसी की जगह कॉनोटेटिव मीनिंग्स इस्तेमाल हुए कि यहीं पे अगर आपने कान्टेटिव मीनिंग्स का इस्तेमाल किया जहाँ पर कल्चर डिपेंड करता है जहाँ पर सोसाइटी डिपेंड करती है जहाँ सोसाइटी के अलावा बैकग्राउंड डिपेंड करता है जहाँ नॉलेज डिपेंड करती है किसी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए आपकी किसी के लिए अफेक्शन डिपेंड करती है आपकी किसी के लिए फीलिंग डिपेंड करती है तो कानव वर्ड का अर्थ अलग अलग आ जाता है किसी एक शब्द का भी और इसीलिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसरिप्रजेंटेशन या इंटरप्रटेशन जो है वो ज़्यादा होती है प्रिंसिपल नंबर टू टू लर्न फ्रॉम स्क्राम मॉडल तो यहाँ से ये यह चीज़ निकलती है अब अगर हम कंक्लूड कर दें इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को कि जब एक सेंडर पास करता है इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर रिसीवर मस्ट इंटरप्रेटेड इन द डिज़ायर्ड फॉर्म द सेंडर वांट्स एंड गिव हिम द फीडबैक और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली Any communication where the sender does not get the feedback. द कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट एंड दैट इज इनफेक्टिव तो कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब सेंडर एक इंफॉर्मेशन को पास करता है अपने इनकोडिंग के स्किल को इस्तेमाल करते हुए तो रिसीवर को इंटरप्रेट करना चाहिए सेम वे में जैसे सेंडर ने कोशिश की होगी उसको कोई मैसेज भेजने की कोई कम्युनिकेशन अगर सेंडर नहीं समझ पाता है या कोई फीडबैक नहीं मिलती है सेंडर को द कम्युनिकेशन इज स्टिल रिमेन इनफेक्टिव सो दिस इज़ द मीनिंग बिहाइंड इट नाउ द डायग्राम और टू पार्ट्स ऑफ इट बस दस मिनट और उसके बाद चलते हैं तो देखिए होता क्या है कि नॉइज़ का यहाँ कंसेप्ट लगा दिया गया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये जोड़ दी गई अब आपको भी पता है कि सोर्स का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये है डिकोडर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये है लेकिन इनके बीच में अगर आपको एक मैसेज को सक्सेसफुली कन्वे करना है तो क्या चाहिएगा आपको चाहिएगा कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है कि नहीं अगर किसी कन्वर्सेशन को दो लोगों के बीच में आपको सही करना है और दो लोगों के बीच में एक कॉमनलिटी का आस्पेक्ट आपको चाहिए तो दोनों का जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो कॉमन होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए अच्छे दिन नहीं 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 सर क्या बात कर रहे अच्छे दिन आएंगे आएंगे शायद आ जाएंगे आ जाएंगे शायद आ जाएंगे कि अच्छे दिन आएंगे सर आ ही जाएंगे शायद अब क्या करें चेक करवाओ आप आगे लगता है कि आएंगे नहीं आएंगे पता भाई तो देखिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैं इधर वालों की सुनना चाहता हूँ ऐसे कि याद आया आपको कोई मैं उधर वालों की सुनना चाहता हूँ मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ लोग बहुत हैं है ना सब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएंगे कभी यही कहा आपने आप देखो एज आ प्राइम मिनिस्टर इट वॉज ओनली सेट कि अच्छे दिन यू वर वंस हु सेट कि आएंगे वर ऑल्सो पीपल सिंग आ जाएंगे आके ही रहेंगे कि नहीं आएंगे यह आपके ऊपर था तो देखिए डिपेंड करता है कि किसी भी किसी भी सिनेरियो में आप पहले ये समझ लें कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है जी जी ओ oh, ट <laughs> तुमने सुन लिया अंकिती वाला गजब यार वाला भी तो देखिए ये होता है कि आप दो सर्कल में ये कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है जिसको आप दर्शाते हैं ठीक है तो इसको ऐसे पढ़िए कि ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जब तक कॉमन नहीं होगा दो लोगों के बीच में तो वो एक दूसरे की बात को कैसे समझ पाएंगे तो ये सोर्स है ये इनकोडर है ये एक मैसेज भेजा जा रहा है एक सिग्नल पे और ये जो है डिकोडर पे पहुंचता है डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर डिकोड होके वापस आता है एंड देन अल्टीमेटली जो है ये वापस यहाँ पर एक फीडबैक के तौर पर जाता है इंटरफेरेंस के रूप में यहाँ पर नॉइज़ होती है अब तीन बातें आपको सिखानी है और ये तीन बातें सिखाते ही कंसेप्ट ख़त्म पैसा हजम फिर फिर कल मिलेंगे नौ बजे किसी टीचिंग के कॉन्सेप्ट को करेंगे अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले टाइप ऑफ एजुकेशन करवाया था चाहो तो कर लेना काफ़ी सही टॉपिक है और फॉर्मल नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन पढ़ना उसमें कुछ दिन पहले रिलायबिलिटी एंड जो है वैलिडिटी करवाया था उसको भी पढ़िएगा गैगने के प्लान्स करवाए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं एक एल का कोर्स हुआ है एक आई थिंक इंडियन लॉजिक का कोर्स हुआ उन सबको करिए अच्छे से एंड ऑल्सो जो है कंसेप्ट ऑफ नॉइज़ क्या होता है देखिए अब नॉन इंटेलिजेंट इंटरापशन अगर किसी मैसेज प्रोसेस में हो जाए अब नॉन इंटेलिजेंट तो यहाँ चलो उन्होंने शब्द दे दिया किसी भी तरह की बाधा जो है वो फिजिकल भी हो सकती है मेंटल भी हो सकती है मनोवैज्ञानिक तौर पे भी और बैरियर्स आते हैं इंसान की तो कोई भी तरह की अगर बाधा है नॉइज़ है इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोसेस एज एक्ट टू ब्लॉड आउट द पार्ट ऑफ द मैसेज कि भाई जैसे मैसेज ही रह गया तो नॉइज़ जो है वो आप मान लो कभी नेटवर्क नहीं आता है तो ऑबली गुल्लू जो है वो उल्लू सुनाई देता है बार बार और गुल्लू भड़क जाता है कि उसको कैसे जो है वो उल्लू कहा या फिर जो है आप वो एग्ज़ाम्पल बबलू, बबलू 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 भाग रहा है देखो बब्लू कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इज़ इंटेलिजेंट इंटराप्शन इन द मैसेज प्रोसेस तो देखिए इंटरफेरेंस क्या होती है कि इंटेलिजेंट इंटरापशन हो जाती हैं अब ये कि भाई इंटरफेयर कौन करता है जो ज़्यादा समझदार होता है कि जो ज़्यादा दिमागदार होता है जो बार बार इंटरफेयर करता है सर ये आई थिंक इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये फ्रॉम दिस साइड आएगा क्या ये इस मॉडल में होगा क्या अब आपको लगता है ना कभी कभी क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ज्यादा समझदार बालक आते के साथ ही ओके दिस वॉज कम फ्रॉम दिस पॉइंट सर कि ये इसमें ये वाला टॉपिक लगेगा क्या ये 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 इंटेलिजेंट होती है इंटरप्शन बाय मैसेज प्रोसेस इन अदर वर्ड्स ऑल्टरनेटिव मैसेज जो कंफ्यूज करते हैं रिसीवर को उनका कहना पड़ता है कि बेटा थम जाओ अभी थोड़ा दो मिनट रुको सबर करो इसके बाद बताते हैं आपको इतने में आप सबको उलझा दोगे अगर ऐसे इंटरफेयर करना जारी रखा तो इंटेलिजेंट होती है इंटरप्शन लेकिन नॉइज़ जो है वो अन इंटेलिजेंट या सॉरी नॉन इंटेलिजेंट किस्म की होती हैं अन नहीं बोल सकते इसको तो सिंपल बात है कि आगे से ध्यान रखना आप लोग या आप लोग इंटरफेयर बहुत करते हो इंटेलिजेंट इंटरप्शन करते हो क्लास में मजा करो करते रहिए तो सिर्फ समझाने के लिए है बुरा मत लगा जाना कोई ऐसे कि अरे यार ये हमको क्या बोल दिया यार हम तो बहुत इंटरप्शन करते हैं क्लास में तो देखिए कंसेप्ट जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का है इज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द लास्ट वन क्योंकि यही पेपर में सबसे ज़्यादा आता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कब अब देखिए ये कहा गया 1971 के अंदर कि स्क्राम ने जब पब्लिश किया अपना एक अपडेटेड वर्जन जो है अपने मॉडल का बैरन ही बेसिकली इंक्लूडेड द कंसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और द साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद विद विच द कम्युनिकेशन अकर्स नाउ नो द थिंग इज की जब हम बात करते हैं कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है वो क्या करता है कॉमन फील्ड को ब्रॉडन कर देता है तो जैसे आप एक तरह के कल्चर से आते हैं आप एक तरह के बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस से आते हैं इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस एक तरह के हो सकते हैं जैसे मान लीजिए कि मैंने पाँच साल स्ट्रगल किया किसी जॉब के लिए आपने भी किसी जॉब के लिए पाँच साल स्ट्रगल किया वी हैव समथिंग इन कॉमन तो ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हमारा कॉमन हो जाएगा कि हम दोनों धक्के खाए हैं इसका मतलब तो धक्के खाए हैं तो इसके बाद थोड़ा बहुत चीज़ें पता होगी अपने को जैसा तो कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो कि कल्चर बैकग्राउंड जो है इन्फ्लुंस करता है हिम हर कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल कैन बी स्मूथ वेन द सेंडर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड द रिसीवर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट ओवरलैप तो अगर सेंडर का एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये है रिसीवर का ये है तो प्रॉब्लम आ जाएगी इफ द एक्सपीरियंस ओवरलैप दैट मींस दे हैव समथिंग इन कॉमन इन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दैट्स व्हेन द कम्युनिकेशन क्लिक्स एंड इट वाज इट वाज कमेंट पढ़ लूँ आपके सब मन में ही कह रहे होंगे हम तो नहीं करते मिंटी बचा दिल से बुरा लगता है क्या नहीं 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 ऐसे नहीं, नहीं, नहीं बुरा मत लगाना बुरा मत लगाने के बुरा लगता है भाई नहीं 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 अंकित वट आर यू डूइंग मॉड बनके के मस्ती चलो देखिए तो ये बात है कि एन एबसेंस ऑफ दिस कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अगर ये नहीं होगा तो इससे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ऑब्वियसली किसी का एक्सपीरियंस मैच करता है इज गुड थिंग नहीं करता है तो इट्स इज अ थिंग विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वेराइट टाइप ऑफ नॉइज कई तरह की नॉइजेज आ सकती हैं जो इमेट करती है आपकी मिस अंडरस्टूड करने कम्युनिकेशन जो है आपको बातें नहीं समझ में आती है लेकिन अगर लोग एक कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लेट्स ए की दे कम फ्राम सेम कल्चर लेट्स ए

विद द ग्रेजुअल चेंजेस दैट्स ग्राम डिवेलप वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इंटरैक्शनल मॉडल तो पहले इनिशियली तो यह डिवेलप हुआ था एक लीनियर मॉडल के बेसिस पे लेकिन कुछ चेंजेस हुए तो ऑब्वियसली इनके अंदर ये चीज़ देखी गई कि आप जो है इसको एक टू वे कम्युनिकेशन मॉडल कहेंगे एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज हैव देअर ओन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाइल रिकॉर्डिंग द मैसेज एंड गिविंग अ फीडबैक द मोर द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलैप द बेटर इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी मैसेज क्रैप मॉडल कम्प्लीट तो खत्म का नहीं टाटा बाय बाय खत्म चलो हो गया आलू से ऐसा तो क्या बात कर रहे हो ये तो फेक वीडियो था हाँ फेक था बिल्कुल चलो टाटा खत्म डन आज का सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो तो कल का वीडियो भी मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अच्छी बात है कोई बुरी बात तो है नहीं यूट्यूब पैसे भी नहीं ले रहा आपसे कल को यूट्यूब बंद हो गया तो हम कहाँ लेके जाएंगे इतने सब्सक्राइबर बात चल रही है आजकल ख़त्म होने की यार फेसबुक बैन हो जाएगा इंस्टाग्राम तो हो जाए हम तो है नहीं भाई हमारा यूट्यूब ना हो यार कहाँ जाएंगे हमारे बाईस हज़ार लोग कम से कम करेंगे क्या हम सर क्या बात कर रहे हो यार दूसरा बना लेना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो कल को ये सब बंद हो जाए तो टेलीग्राम तो रहेगा सब्सक्राइबर माया छोड़ना पड़ जाएगा ऐसे हम्म शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया जावेद शुक्रिया आपकी तानिया मैम पढ़ाती हैं काला चश्मा लगा के को यार पढ़ो यार इतना बढ़िया पढ़ाते हैं आप सबको मैडम वाले तरी <laughs> चलो बाय टेक केयर टाटा गुड बाय थैंक यू अब क्या लाइक घर लेके जाओगे ये बात भी सही है यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग अगर आपने ये सब्सक्राइब कराए इसको सब्सक्राइब नहीं करे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन करे इट्स नॉट अ गुड थिंग हमने नहीं है सर यूट्यूब और टेलीग्राम को छोड़ कर सब बंद हो जाए हाँ ये बात तो है इसका पी ऑलरेडी क्लासेस में दे दिया है वैसे टेलीग्राम में भी दे देंगे बोलिए दे देंगे मोदी जी के मीम्स आ रहे हैं इसलिए नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं <laughs> चलिए बाय बाय शुभरात्रि शुभरात्रि हमारे चैनल है ना यार हम इसमें आराम से बो, बोल सकते हाँ बताओ पूजा डिसलाइक वाला यार हमारे चैनल पे नहीं आया है बुलाओ इसको कहाँ गया बाय टेक केयर थैंक यू सो मच शुक्रिया अपना ख्याल रखिए कभी कोई समझ नहीं आता सच में अच्छा पढ़ाते हैं आप या सार्केस्टिक वे में कहते हैं <laughs> दमन ये तो आपको आइडेंटिफाई करना है बचा जाके ये तो पता लगाना पड़ेगा आपको ऐसे काला वाला चश्मा लगा के हमारे पे नहीं पड़ा यार ये पड़ा पड़ा भी यार हम ऐसे लगाते हैं स्पोर्ट्समैन रह गए तो टोपी के पीछे लगाने का आदत है हम भी सारा जीवन लेके चलते हैं यहाँ पर विक्स वेपरब से लेके सब कुछ हमारे पास है बाय अब जाता हूँ मैं बाय मस्ती मजाक हो गया चलते हैं वैक्सीन वगैरह लगवा लेना <coughs>